আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিটিউব ইনফোটেনমেন্টের আজকের আয়োজনে। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। নবাব সিরাজউদ্দৌলার যুগ ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। না, এটা আমার কথা নয়, ভারতীয় মিডিয়া বলছে। বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয় আলাউদ্দিন হোসেন এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলকে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবার সেই হারিয়ে যাওয়া সোনালী যুগকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে কী বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথচলায় বিটিউব ইনফোটেনমেন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আপনিও। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। आज की स्टोरी है बांग्लादेश की, जो कि 1947 से पहले भारत का हिस्सा था और उसके बाद से 1971 तक वह पाकिस्तान का हिस्सा रहा। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो बांग्लादेश इस दुनिया में सबसे नजरअंदाज किए हुए देशों में से एक है। बांग्लादेश जिसका जन्म युद्ध, गरीबी, भुखमरी के बीच हुआ था, यहाँ तक कि आजादी के बाद इसकी इकोनॉमी 14% तक गिर गई थी। वेस्टर्न कंट्रीज इसे यहाँ तक कहते थे कि इस देश में कुछ भी नहीं है, इस कारण इसे हमेशा गरीबी में ही गुजारना पड़ेगा। यह तो थी उस समय के एक्सपर्ट्स की किताबी भाषा का ज्ञान। 2022 में सिनेरियो पूरा ही अलग है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो एक समय बांग्लादेश को कहा था कि बांग्लादेश फेलियर के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक तो उसकी पॉपुलेशन अलग ही ऊंचाई छू रही थी, देश में न तो नेचुरल रिसोर्सेज थे कि उन्हें बेचकर बांग्लादेश अमीर हो सके, और देश ऐसा जहां हर दरवाजे में कोई न कोई नेचुरल डिजास्टर इंतजार कर रहा हो। पर आजादी के 50 वर्ष के बाद आज बांग्लादेश ने नेचुरल डिजास्टर्स के साथ रहना सीख लिया है। कोरोना पैंडेमिक, हाई पॉवर्टी सब कुछ झेल लिया, और इन कठिन समय के कारण बांग्लादेश स्ट्रांग होता जा रहा है। इस देश ने देख लिया कि अगर वह खेती के भरोसे बैठ जाए तो जिंदगी भर इस देश को एक वक्त की रोटी भी ना मिले, इसलिए बांग्लादेश इतिहास को दोहराने के फिराक में लग गई। 300 साल पहले तक बांग्लादेश इस दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, जहाँ मेनली टेक्सटाइल्स और अन्य कारीगरी होती थी। उस समय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तो एक ही थे। उस समय के बंगाल की इकोनॉमी उस समय पूरी दुनिया के जीडीपी के 10% के बराबर थी। इतना छोटा सा राज्य और इतना अमीर आज तक इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली। और अब फिर से बांग्लादेश ने अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करने में कर दिया है। इस कारण बांग्लादेश ने 2020 से 2021 के जुलाई तक जहां $39 बिलियन का माल विदेशों में एक्सपोर्ट किया था, उसके बाद से जुलाई 2021 से फरवरी 2022 तक सिर्फ 8 महीने में बांग्लादेश ने ऑलरेडी $34 बिलियन का माल विदेशों में बेच दिया है, और मई भी जुलाई तक यह आंकड़ा $50 बिलियन को भी पार कर जाए। एक समय 1974 में जब अमेरिकन गवर्नमेंट के मंत्री हेनरी किसिंगर जब ढाका गए थे तो उन्होंने बांग्लादेश की हालत को देखकर उसे बॉटमलेस बास्केट कहा था। अगर हम उसे सिंपल टर्म्स में कहें तो वो बांग्लादेश को बिन पैंदी का लोटा कह रहे थे। पर आज के समय वो सेम बॉटमलेस बास्केट अब गोल्डन बास्केट बनने की ओर बढ़ते जा रहा है। बांग्लादेश ने $100 बिलियन की जीडीपी को 2009 में छुआ था, जो कि 2022 में $391 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है। 2009 के समय पाकिस्तान की जीडीपी $168 बिलियन थी, जो कि आज के समय $292 बिलियन पर अटकी हुई है। वही पॉवर्टी रेट 56% से 22% तक घट गया है। वही महिला सशक्तिकरण में यह देश अमेरिका जैसे एडवांस देश को भी पीछे कर। प्रिय दर्शक, আমাদের চেষ্টা থাকবে এটাই, বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো সবার আগে আপনাদের সামনে তুলে ধরা, আর আপনাদের কাছ থেকে অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রত্যাশা করা। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন, আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বিটিউব ইনফোটেনমেন্টের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।